So, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 20th June 2019, Friday, सुबह के 8:08 हो रहे हैं. ये निफ्टी एनालिसिस का वीडियो हम हर रोज सुबह अराउंड 8:30 के पास यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं. तो आपने अगर सब्सक्राइब किया है चैनल को तो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना काफी जरूरी है ताकि जैसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगी और आप मार्केट आज के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे. तो जैसे कि आज फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. कल हमने देखा निफ्टी 11,900 के ऊपर पहुंच गया था लेकिन जैसे ही मार्केट का एंड हुआ तो ये 11,900 के ऊपर सस्टेन नहीं किया और नीचे आके क्लोज हुआ. तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का यानी 27 जून 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. 10 मिनट का ये चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. हमारा ब्रेकआउट लेवल कल बन रहा था 11,872 के पास और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,840 के पास. इन लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया था ये देखने के लिए हमारा कल का वीडियो आप रेफर कर सकते हैं. उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल का ब्रेकआउट लेवल जैसे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो यहाँ पर ब्रेक हुआ और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,893 ये भी अचीव हुआ. काफी देर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता रहा और उसके बाद 11,910 सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसने इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया और टुवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाने लगा. तो काफी एक्यूरेट साबित हुआ ये सेकेंड टारगेट. तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर ट्रेड करते कल तो अराउंड 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार में थोड़ी सुस्ती दिखाई दी. डाउ जोन्स करीब 10 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ तो नाजडैक 57 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिला. एशियाई मार्केट जब आज ओपन हो चुके हैं तो निगेटिव नोट पे ट्रेड कर रहे हैं. निक्के जापानीज इंडेक्स 143 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट में 22 पॉइंट की गिरावट है और हांगकांग मार्केट में 169 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर देखें तो 37 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी अभी हल्के से बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आज मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करते हैं. यह है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है. ये सपोर्टिव इंडिकेटर्स मैं बंद कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे. आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. अभी एक ट्रेडिंग सेशन खत्म होना बाकी है लेकिन वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है. यानी इस वीक का हाई लो और क्लोज प्रीवियस वीक के हाई लो और क्लोज से ऊपर है. तो यहाँ से टर्न हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से बन सकता है. तो अगर ये स्विंग लो को पकड़े और यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करे तो ये लेवल्स यहाँ पर आने वाले लेवल्स को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं. अगर ये टूवर्ड्स अभी 31,465 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक या आज सस्टेन होता है तो हमें बैंक निफ्टी में 31,850 के लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं. अगर ये पैटर्न आज के दिन मेंटेन रहता है पिवट बार रिवर्सल का, ये हाई लोअर क्लोज प्रीवियस हाई लोअर क्लोज के ऊपर अगर ऐसा पैटर्न आज सस्टेन रहता है तो और भी बैंक निफ्टी में हमें ऊपर के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं. ठीक है, तो ये वीकली चार्ट का सीनरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में देखें तो एग्जैक्ट इसने अभी कल 38.2% का ये जो लेवल था यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. तो कल का ये जो कैंडलस्टिक बना ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इसने ऊपर टेल छोड़ दिया यानी ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बुल्स की स्ट्रेंथ नहीं है. तो हो सकता है अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करे तो फिर से एक बार 30,900 के पास ये सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ सकता है. ठीक है,
तो यहाँ पर प्री बजट रैली एक दिखाई दे सकती है। अगर 31,465 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक प्री बजट रैली बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपना बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हमने ड्रॉ किया था, उसके हिसाब से 50% का ऑलमोस्ट यहाँ पर लेवल ये अचीव हुआ था और फिर से एक बार ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 11,850 का हर्डल है जहाँ पर ये लास्ट दो स्विंग हाइज बने थे यानी रेजिस्टेंस फेस किया था पास्ट में इसने, तो फिर से एक बार यहाँ पर 11,850 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से हमें फिर से अपसाइड मूव एक बार दिखाई दे सकती है। ये लेवल्स है, अगर इन लेवल्स को फिर से एक बार ब्रेक करता है तो ये फिर से एक बार 20 EMA को सपोर्ट एज ए सपोर्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अभी भी स्ट्रक्चर वीकली चार्ट के हिसाब से बुलिश है क्योंकि शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी तक ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का काफ़ी सिमिलर पैटर्न होता है चार्ट का, मोस्टली 90-80% सिमिलर पैटर्न होता है। अगर ये भी कैंडलस्टिक देखें तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक जैसा पैटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। हमने यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था, हो सकता है ये फिर से इस नेक लाइन को सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक लाइन का काफ़ी सपोर्ट टेस्ट करता है एक बार ब्रेकआउट मिलने के बाद, तो हो सकता है इस सपोर्ट लाइन का नेक लाइन का सपोर्ट टेस्ट करने के बाद फिर ये यहाँ से बाउंस बैक दिखाए। तो जब तक ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे सकती है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं आज के लिए। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का ये लो अगर ब्रेक करता है अराउंड 11,821 के पास, कल का लो है, तो ये अगर ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट अभी शॉर्ट सेल के लिए होगा 11,804, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर, अगर ये इन दो मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 11,783, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो पिवट पॉइंट का लेवल है, उसके बाद R1 का भी ये लेवल है। तो अगर ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,894, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,912, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ से ये फॉल दिखाया था, तो यहाँ पर ही एग्जैक्ट ये लास्ट हाफ एन आवर का हाई आ रहा है, तो इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।